दोस्तों अभी तक तो आप सबको पता चल चुका होगा कि आपके वीडियो पे ऐड क्यों आता है, लेकिन आज इस वीडियो में बताऊंगा क्लियर आपको कि कब ऐड आता है, कितने सब्सक्राइबर होने पे ऐड आता है और कितने वीडियो पे व्यूज आने पे, तब जाके आपका चैनल पे मतलब आपके वीडियो पे व्यूज आता है। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिए दोस्तों, मैं पूरा आपको विस्तार से बताने वाला हूँ, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा लेकिन बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आप समझ जाओ। दोस्तों अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो देखने के लिए कोई मैटर नहीं करता है। जैसे आपको YouTube का, आपको पता होगा कि YouTube का गाइडलाइन आया हुआ था कि अब आपके चैनल पे भी ऐड आएगा, मतलब आपके वीडियो पे भी ऐड आएगा, तो कितने सब्सक्राइबर होने पे आएगा दोस्तों मैटर नहीं करता कि आपके कितने सब्सक्राइबर है, ठीक है। जैसे आपके 10 सब्सक्राइबर हो सकते हैं, आपके 10 लाख भी हो सकते हैं, मैटर उससे नहीं करता है। आपके मतलब ये है ना कि आपके वीडियो पे कितने व्यू आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपका 10 लाख है, अगर आपके वीडियो पे 50 व्यू आ रहे हैं, एक सपोज समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। सपोज दैट मैं बोल रहा हूँ कि मान लो 50 व्यू आ रहे हैं तो आपके चैनल पे, आपके वीडियो पे ऐड आएगा ही नहीं जब तक कि वो 100 पार ना हो जाए। तो यही मैं बताने वाला था कि किस तरह से मतलब ऐड आएगा। जब भी कोई भी आपका वीडियो वायरल होता है उस पर 100 से ऊपर व्यूज आ जाएगा तो आपके उस वीडियो पे ऐड आना स्टार्ट हो जाएगा। और सब्सक्राइबर से कोई मतलब नहीं है कि आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, कि 200 है, 300 है, 1000 है, मोनेटाइज हो गया है या नहीं है, उससे कोई मैटर नहीं करता है। आप बस आपके वीडियो पे 100 व्यूज आ जाएंगे, आपके ऐड आना स्टार्ट होगा और आपको ऐड के पैसे भी नहीं मिलने वाले हैं दोस्तों। ये उम्मीद मत रखना आप लोग कि ऐड के पैसे आपको मिलेंगे, क्योंकि आपके पास एडसेंट अकाउंट ही नहीं होगा तो आपको मिलेगा कैसे। एडसेंट अकाउंट कब आप बनाओगे, जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा तब। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी दोस्तों। और कोई परेशानी और दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।